कारिज कौन आ गया। तो अभी भी कोई हमारे घर में आए हैं जी। मैं लेके आई हूँ आज आपके लिए एक बहुत जबरदस्त किस्म का व्लॉग, जो कि होता है हमेशा की तरह बहुत ज्यादा जबरदस्त। लेकिन जो सरियल आवाम होती है वो कहती है जबरदस्त नहीं है, वो बैड कमेंट स्टार्ट से शुरू करना शुरू कर देती है। लेकिन मैंने उनको इग्नोर करते हुए आगे सीढ़ियां चढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। मेहनत अपनी होगी पहचान, प्यारी मरियम तुम कभी ना भूलो सबकी नजरों में, प्यारी मरियम है आप कभी ना भूलो। ये मेरी वाला लाइंस जो है उनके लिए है जो मेरे बहुत ज्यादा फैंस हैं और मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और मेरा सारा प्यार उन्हीं के लिए है। मुझे फॉलोअर्स नहीं, मुझे सब्सक्राइबर्स नहीं, मुझे सिर्फ चाहिए मेरे फैंस जो मेरे दिल से इज्जत करें और जो मैं कहीं पे जाऊं तो कहे कि प्यारी मरियम है आप, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। मुझे इतनी खुशी होती है ना जब कोई आके मेरे पास मिलता है तो मैं कहती हूँ कि अच्छा चलिए ठीक है। वो कहेंगे कि पिक्चर बनानी है आपके साथ, तो मैं ना अक्सर कोई मेरे साथ हो तो वो कहती है नहीं नहीं पहले तुम अपना काम कर लो, मैं कहती हूँ नहीं पहले मेरे फैंस के साथ पहले मुझे पिक्चर बनानी, तो मैं उनको कहती हूँ अच्छा चले ठीक है आपने पिक्चर बनानी है चले ठीक है आप आ जाए आप पिक्चर बना ले। मुझे बहुत खुशी होती है आप लोग इतनी इज्जत देते हैं और आपकी इज्जत की वजह से आज इधर हूँ और सारा कुछ है ये सिस्टम। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए खास ब्लॉग। खास ब्लॉग ये है कि आज मैं आपको कराने लगी हूँ अपना होम टूर। अपना होम टूर वाला के इतनी ज्यादा व्लॉग थे जबरदस्त, तो मैंने सोचा है कि मैं भी आपको अपना होम टूर स्टार्ट से कराऊं। हमने करवा लिया है पेंट ये व्लॉग, मैं थोड़ा रात को बना रही हूँ तो इस वजह से बैक वाले एरिया में जो है कि वो लाइट थोड़ी कम है। तो शुरू करते हैं, दरवाजा ये बंद है तो दरवाजे को हम खोलते हैं। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, जो पता है ना व्लॉग बना रही हूँ। सिस्टर अंदर चली गई है और माशाल्लाह मेरी सिस्टर हमशीरा, मेरे लिए भी दुआ करनी है आपने। ठीक कहती है कि वैसे क्यों नहीं कुरान पाक दिखा सकते, अच्छा कहती है क्यों नहीं कुरान पाक दिखा सकते। ओके चले दिखा देते हैं हम कुरान पाक आपका। माशाल्लाह मैं कह रही थी कि मेरे हाथ अभी साफ नहीं तो इसलिए तुम, लेकिन आप पढ़ रही हो तो चलो आप पढ़ो माशाल्लाह। आगे चलते हैं व्लॉग का आगाज करते हैं हम। तो प्यारा प्यारा से दरवाजा कैसे दिखाऊं आपको, आए दरवाजे बंद नहीं हो रहा, बंद पक्का कर देता नहीं। अच्छा इधर आ जाओ, ये वाला दरवाजा भी हमने नया लगवाया है, देखें हसीन दरवाजा, कितनी खुशी हो रही है मुझे। अब्बू ने मेरे ये दरवाजा हमारा पहले ही लगा हुआ था लेकिन अब्बू ने मेरे पेंट करवा दिया। ओ सॉरी मैं कार जानी हूं ड्यूटी पे, मैं ड्यूटी पे जानी हूं तो पिछू अब्बू जी मेरे ए वाला सारा जरा सिस्टम करा देता सी पेंट। तो आगे चलते हैं और ये दोनों दरवाजे हैं, ये दोनों दरवाजे बंद होते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। उस साइड पे हमारा है आगे वाला वो एरिया, आगे चलो छोड़ो आगे चलते हैं। तो ये आ जाता है हमारा किचन। किचन इज सो मच हसीन। अब जो लोग कहते थे कि प्यारी मरियम आपका किचन बहुत गंदा है, आगे चलते हैं तो ये है जी हमारा स्टोर, ठीक है। और इधर से आगे चलते हैं तो ये है जी आ जाती है हमारी एक अदद और विंडो, और ये आ जाता है जी रूम। यहाँ पे रूम पे अम्मी लोग बैठे हुए हैं। माँ जी क्या हाल है आपका, कैसी तबीयत है आपकी? और मेरी सिस्टर जो है ये है अम्मी वन मेरी। अम्मी में कैसी तबीयत है, अम्मी कैसा लग रहा है कार पेंट चेंट होके? बहुत खुशी हो रही, खुशी हो रही है माशाल्लाह। और ये उर्दू की बुक पढ़ी हुई है छोटी सिस्टर जो अंदर है वो पढ़ी है सबक अपना। आगे चलने हाँ ते आगे चल के सानू दिखानी है अपना प्यारा रूम, हसीन रूम में आगे चल के आपको दिखाती हूँ कुंडी। और ये हमारी है दो चेयर्स यहाँ पे रखी हुई हैं, और ये है जी अलमारी, और अलमारी भी हम ना आस्ता आस्ता बस सारा कुछ मिलासा। और ये है जी आपकी प्यारी मरियम सामने आपके आ गई है। और कैसी लग रही है आपको प्यारी मरियम, हसीन लग रही है हमेशा की तरह बिल्कुल। और ये है हमारा एक शीशा, ये मुझे एक मेरी फैन ने गिफ्ट किया था, बड़ा जबरदस्त है ये शीशा, इसकी लाइट भी जलती है। आपको मैं लाइट चला के दिखाती हूँ, पता नहीं टच से कुछ लाइट चलती है, मैं जब तक चलाई कोई नहीं शायद सेल सूल खत्म हो गए होंगे। तो आगे चलते हैं, और ये है जी ये मेरी सिस्टर ने देखो ना, ये भी मेरी पीआर आई थी, ये मेरी सिस्टर ने देखें कैसा जबरदस्त घूमने वाला सजाया है, ये देखें ये जबरदस्त। आपको मैं इसकी चीजें दिखाती हूँ, ऊपर वाले फ्लोर में ऊपर वाले फ्लोर में है सारे लिप ग्लॉस, ये है काजल, ये भी काजल, ये लाइनर और ये लिपस्टिक मुझे गिफ्ट मिली थी, ये भी मुझे याद है अच्छी तरह, ये स्पेशल वाला गिफ्ट था। और ये काजल की भी एक स्टोरी है, ये एक डब्बी में थे तो इसी काजल की डब्बी को मैंने
संभाल के रख दिया है। ये मुझे अच्छी लगती है ये वाली डब्बी, इसके साथ मेरी बहुत ज्यादा मेमोरीज हैं डब्बी के साथ। मैं हर छोटी छोटी चीज जो है ना वो संभाल के रख देती हूँ, जूस के डब्बे, टिन, ये वो। जो मेरी फ्रेंड्स वो मेरी शुरू तो आदत है, 9th 10th से जो नहीं सा ना, मेरी शुरू से आदत है जब 9th 10th में होती थी तो सहेलियाँ फूल को संभाल के रख लेती होती हैं और अगली पिछली चीज़ों को संभाल के रख लेती है, तो मैं भी वैसी चीज़ों को संभाल के रख लेती होती हूँ। तो मैंने बहुत सी चीज़ों को संभाल के रखा, जिनमें से एक ये है, ये दो, और अच्छा ठीक है ये वाला जो है ना ये भी मैं लेता सी उस टाइम ना ब्लश ऑन वे जिस टाइम सी कोरोना, और मैं बैठी हुई सर ड्यूटी वाली जगह देते मेरा आया पार्सल, मुझे याद है। ये उस टाइम की मैंने ब्लश ऑन लिया हुआ, ये भी मेरी बहुत ज्यादा यादें, मतलब याद आती हैं, बातें भूल जाती है। ये मैंने लिया था नया वाला क्या कहते हैं उसको, क्या कहने लिप ऑयल लिया, लिप बाम मैट में लिया था। ये मुझे मूसा तनवीर ने गिफ्ट लेके दिया था, ये भी मुझे मूसा तनवीर ने गिफ्ट लेके दिया था दुबई से, ये दोनों दुबई की चीजें हैं। और ये भी मुझे याद है, मुझे चीजें भूलती नहीं है। और ये पिन्ने भी हमने अच्छी अच्छी ली हुई हैं। अब बस मैं और आपको लोगों को मैं क्या बात बताऊं, और ये स्टिलमिंस लगाती नहीं हूँ, स्टिलमिंस भी चुखा लिए वाले वरना लिप ग्लोज अभी मैं लेती हूँ। ये जो पेंसिलें हैं ना, आए हाय, ये पेंसिलों का मैं शुरू में बहुत ज्यादा जबरदस्त मेकअप करती होती थी, ये भी मेरे थोड़े थोड़े बीच में गिफ्ट है। और ये वाला तो फूल मुझे किसी ने गिफ्ट ही दिया था, और इसने सुन के नजारा करावा, और बस इतना काफी है, गोल गोल घुमा लिया। ये मेरी अम्मी की ऐनक है, अभी सुन टुका देवा। ये है जी हमारा बेड, बस इतना काफी है। बेड की चादर देखी, सेम हमारी चादर बेड की। और आगे चलते हैं, ये हमने ली है नई कालीन, और नई कालीन कैसी लग रही है आपको, प्यारी लग रही है, हसीन लग रही है, माशाल्लाह। और ये है जी मेरी रिंग लाइट, और इधर मैं वीडियोस बनाती हूँ खड़े होके प्यारी। और यह है जी मेरा बैग का, फिर मैंने आपको नज़ारा कराना था लेकिन बाद में कराऊंगी बैग का नज़ारा। बैग पता नहीं क्यों खुला हुआ है, इसमें बड़ा हुआ चार्जर ऐप पड़ा हुआ है, मेरा मास्क, ये मेरा चार्जर है, ये मेरी सिस्टर का चार्जर है, ऐ मेरी अम्मी ने कैंची है, और ये मेरी अम्मी की टैबलेट है थायरोक्सन की, जो कि मैं भी कभी कभी खा लेती हूँ, मेरी अम्मी का ब्लड प्रेशर की मशीन, ये ऑयल, ये ऐनक, और ये कंगा, क्या जबरदस्त। ये अलमारी का एक हिस्सा, वर्किंग ऑन अपडेट्स 30% कंप्लीट, डोंट टर्न ऑफ योर कंप्यूटर। ड्रामों में तो टक्कर के इसको बंद करते हैं तो गुस्से न, मैं तो कभी भी ना बंद करा, माशाल्लाह पहली बार मैंने लिया है, मुझे भी इसकी बहुत ज़्यादा खुशी है। और जो लोग कहेंगे कि आए पहली बार लेता वे इस तरह कोई गाल करें तो हाँ वाकई पहली बार लेता है तो इसलिए खुशी तो होगी माशाल्लाह। बैक कैमरे से वीडियोस बनाती हूँ ना तो थोड़ा अंदाजा नहीं होता कि वीडियोस कैसी बन रही हैं, लेकिन आप लोग मुझे बताएं कि अभी थोड़े हमारी घर की सेटिंग अच्छी होगी, अभी हम जब न्यू घर ले लेंगे ना तो इंशाल्लाह और भी जबरदस्त हम बनाएंगे। अभी हम इधर अला करके दुआ करना आप, मैं जल्दी से नया वाला घर ले लूं, इतना प्यारा लूं, इतना प्यारा लवा करोड़ निकाल ला, 70-80 लाख, 90 लाख में तो लेवा ही ना, मैं लेवा ही करोड़ ना, तो क्या बात है। अल्लाह ताला दे भी सकते हैं, अल्लाह ताला दे भी सकते हैं, वो वाली गल है कि मांगने वाली बात सिर्फ अल्लाह ताला से करो तो अल्लाह ताला दे भी सकते हैं, अल्लाह ताला इतने हालात बदल सकते हैं कि एक। मैं तो सानू एक छोटी जी एंड से गल सुनाना चाह रही हूँ कि साढ़े इतने हालात खराब थे हमारे कि एक बहुत ज्यादा एमरजेंसी थी, मैं ये वाली बात बताने में शर्म कभी भी महसूस नहीं करती। मुझे अपना पुराना वक्त भी याद आता है कि हमारे इतने हालात खराब थे कि ऐसा ने कार एक बारी बहुत मुश्किल आई कि साढ़े को कालियां मिर्चा नहीं सन, कालियां मिर्चा नहीं सन, तो मुझे ये वाला वक्त याद आता है तो मुझे रोना आ जाता है। तो मैंने वो बात किस किस को नहीं बताई, और मुझे ये बात कभी भूलेगी भी नहीं कि साढ़े कार कालियां मिर्चा नहीं सन, तो मैं किसी ने कार गई हाँ, तो मैं उसनू क्या के मेरे को मैं यखनी बनानी है, ठीक है, वो जरूरी मतलब कि हमारे घर में कोई बीमार था तो मैं यखनी बनानी थी, तो काली मिर्चा नहीं सन, बाकी चीजा सा खुद ही बना लेती हैं, ते मतलब यखनी भी पता नहीं अम्मी ने किसकी चढ़ाई होगी, ये भी मुझे याद नहीं, ते काली मिर्चा उसने तो जायके पाने जरूरी सन, ते मैं किसी के घर गई और 10 रुपए उस बंदे को मैं क्या कि आपके पास 10 रुपए हैं, मेरे को 10 रुपए नहीं है, ते तो समझ 10 रुपए दे सो ते मैं कालियां मिर्चा मंगवानी है।
ये वाला वक्त भी था और आज अल्लाह ताला ने ये वाला भी वक्त लेके आया है। तो मुझे कभी भी वक्त को भूलना नहीं चाहिए, इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। हमेशा से मेरी यही वाली बात है, मैं तो अपनी औकात कभी भी नहीं भूलनी। तो मैं हमेशा याद रखती हूँ कि मेरे ये वाले भी हालात थे, वो वाले भी हालात थे और ये वाले भी हालात हैं। तो अल्लाह ताला सबको नवाजे इंशाल्लाह। और चैनल जो है वो जो खुशखबरी है वो बहुत जल्द खुशखबरी लेके आने वाली हूँ। और ये कि अल्लाह ताला सबको नवाजे, बस आप लोग मेरे लिए भी दुआ किया करेंगे, मेरा सारा प्यार आपके लिए मेरा सारा प्यार। तो बताएं कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, मेरा घर आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।